हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग जो नवंबर अक्टूबर माह का असाइनमेंट है उसको देखेंगे। क्या प्रश्न क्या पूछा है? पहला कि दर निर्धारक पद को समझाइए। दर निर्धारक पद को समझाइए। तो ये चैप्टर कौन सा है? पहले तो रासायनिक बलगतिकी का क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में, दर के बारे में, कि कोई भी अभिक्रिया कितने समय में संपन्न होगी, कितने देर में संपन्न होगी। ये चैप्टर का नाम ही ये स्पष्ट करता है कि रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग या दर, वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। किस किस चीज का अध्ययन करते हैं हम लोग? दर का, वेग को प्रभावित करने वाले कारक का, प्रभावित करने वाले कारक और उसकी क्रियाविधि और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। तो ये तीन चीजें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़नी होती है। इसमें पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा वो यही पूछा है कि दर निर्धारक पद को समझाइए। तो हम लोग दर निर्धारक पद को देख लेते हैं कि दर निर्धारक पद होता क्या है। तो देखो, दर निर्धारक पद, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दिया हुआ है कोई रिएक्शन आर विल गिव्स टू पी, मतलब आर से पी बन रहा है। तो इसमें हम लोग अभिक्रिया की जो दर है वो किसको कहते हैं? कि अभिक्रिया की दर, गति या वेग जो भी होती है वो वह कहलाती है जिससे वो अभिक्रिया संपन्न होगी। यही होगा ना, अभिक्रिया की दर या गति या वेग कि जिससे वो अभिक्रिया संपन्न होगी। लेकिन हम लोग इसमें उसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो हम लोग इसको परिभाषित इस तरीके से करेंगे कि अभिक्रिया की दर मतलब ये क्या है? अभिकारक, रिएक्टेंट। तो अभिकारक के, अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक के सांद्रण में कमी। जैसे जैसे अभिक्रिया होते जाएगी, आप लोग खुद सोचो, अभिक्रिया होते जाएगी, मान लो शुरू में ये 10 मोल है फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे अभिक्रिया होते जाएगी पी बनते जाएगा, तो ये समय के साथ क्या होते जाएगा? 10 से 9, 9 से 8 कम होते जाएगा, है ना। तो एक अभिक्रिया की दर क्या होती है? कि किसी अभिकारक के सांद्रता में होने वाली कमी, समय के साथ अभिकारक के सांद्रता में क्या कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, वो उस अभिक्रिया की दर कहलाती है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रेट या दर, आर से लिखोगे रेट या दर को, इसको मैं ए और बी कर देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो। तो आर यानी कि रेट ना, ठीक है, स्मॉल आर से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? ए के या ए की सांद्रता में कमी बटे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ए की सांद्रता में कमी बटे दर, सॉरी समय अंतराल। अब ए की सांद्रता में कमी आ रही है तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं? ए की सांद्रता में कमी यानी कि पहले ए कुछ ज्यादा रहा होगा, मान लो शुरू में A1 रहा होगा, बाद में वो A2 हो गया होगा, तो A1 - A2, या इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? डेल ए। ए की सांद्रता में कमी या ए की सांद्रता में परिवर्तन भी लिख सकते हो, परिवर्तन, या आप सीधे सीधे लिखो अभिकारक की सांद्रता में कमी या परिवर्तन। यहाँ अभिकारक लिखना, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता में कमी या परिवर्तन। पहले भी आप लोग इसको देख चुके हो, पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे अभिकारक कौन है? ए। उसकी सांद्रता में कमी या परिवर्तन आ रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगी? डेल ए अपॉन क्या हो जाएगा? डेल टी, ठीक है। तो डेल ए अपॉन डेल टी। अब ये कमी, क्योंकि ए यहाँ पे अभिकारक है और इसकी सांद्रता में क्या आती है? कमी आती है, तो इसमें क्या चिन्ह लगेगा? माइनस। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? डेल ए अपॉन डेल टी। क्लियर है? अब आप लोग अभी क्रिया को और कैसे लिख सकते हैं? इसको दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि R बराबर उत्पाद, समय के साथ क्या होते जाएगा? A की मात्रा में कमी आती जाएगी लेकिन B की मात्रा में क्या होती जाएगी? वृद्धि। तो उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि अपॉन समय अंतराल। तो ये हमारा दर होता है अभिक्रिया का। क्लियर है? अब उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि या समय अंतराल, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं?
जैसे जैसे ए कम होगा वैसे वैसे बी कम होगा, तो ए के कम होने की दर और बी के बढ़ने की दर बराबर होगी कि नहीं? होगी ना, जितना जितना ए कम होगा उतना ही तो बी बढ़ेगा ना, तो मैं उसको उसके बगल में ही लिख रही हूँ बराबर करके, ठीक है, इक्वल है दोनों। तो ए की सांद्रता में कमी थी, अब क्या है, बी की सांद्रता में परिवर्तन हम लोग देखे, उत्पाद के अकॉर्डिंग हम लोग लिख रहे हैं, तो बी की सांद्रता में वृद्धि है तो यहाँ पे प्लस चिन्ह लगाओ। तो ऐसे ही आपको किसी भी अभिक्रिया की दर के लिए समीकरण लिखना है कि आर बराबर जो भी अभिकारक दिया होगा उसकी सांद्रता में कमी बटा समय, जो भी उत्पाद दिया होगा उसकी सांद्रता में वृद्धि बटा समय। अभिकारक के टर्म में लिखो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, H2 प्लस Cl2 विल गिव्स 2HCl। तो अब आप इसके लिए रेट कैसे लिखोगे, तो या तो आप क्या रेट लिखोगे, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन। तो यहाँ पे दो अभिकारक हैं, हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है, तो अलग अलग लिखना है आपको, हाइड्रोजन के लिए अलग, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अभिकारक हाइड्रोजन के सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता को हम लोग ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट से दर्शाते हैं, पहले भी आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं इस चीज को, तो उसके सांद्रता में परिवर्तन H2 के अपॉन डेल्टी। फिर अब ये नेगेटिव होगा, कमी होगी, इसलिए माइनस चिन्ह। सेम वैसे क्लोरीन के लिए लिखना पड़ेगा, तो जितना कम होगा ये भी कम होगा और ये उतना ही बढ़ेगा ना, दोनों कम होंगे, सेम रेट से कम होंगे, इसलिए रेट के लिए दोनों को बराबर हम लोग लिख रहे हैं कि दोनों के सांद्रता में परिवर्तन जो आएगी, वो परिवर्तन आने का जो समय होगा वो, या जो दर होगा वो सेम होगा, इसलिए दोनों को बराबर लिख रही हूं मैं। तो यहाँ पे डेल Cl2 डिवाइडेड बाई डेल्टी समय अंतराल, या फिर हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं, मैं नीचे लिख देती हूँ। तो बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट के टर्म में अगर लिखेंगे तो HCl की सांद्रता में, अब यहाँ पे वृद्धि क्योंकि ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पॉजिटिव चिन्ह और ये डेल्टी, ठीक, इसको चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो प्लस HCl, स्टोइकोमेट्री को ऐसे ही लिखना है ना, और डेल N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टी, या फिर कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं, रेट लिख रही हूँ ना मैं, प्रोडक्ट के टर्म में दर लिख सकते हो, तो यहाँ पे कितना है 4NO2, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 NO2 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डेल्टी। अब ये प्रोडक्ट है इसलिए मैंने माइनस नहीं लगाया, वहां पे प्लस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है O2, तो O2 के लिए कैसे लिखेंगे, O2 की स्टोइकोमेट्री कुछ नहीं दी है, डायरेक्ट प्लस डेल O2 अपॉन डेल्टी, ऐसे लिखना है आपको, ठीक। तो ये है दर निर्धारक पद, अभिक्रिया का दर, और क्या परिभाषा, आप लोग परिभाषा अगर इसकी अच्छी चाहें तो और इसकी क्या परिभाषा हो सकती है, कि समय के साथ किसी विशेष क्षण पर किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर उस समय के, सॉरी मैंने तात्क्षणिक दर बोल दिया, किसी विशेष समय पर समय के साथ अभिक्रिया अभिकारक या सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, दर कहेंगे, ठीक है। अगर तात्क्षणिक दर आपको पता करना है तो एक पर्टिकुलर समय लो, एक विशेष समय लो। औसत दर पता करना है तो कई सारे समय पे अभिक्रिया का दर निकाल लो, फिर उसका औसत निकाल लो। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा है कि दर निर्धारक पद किसे कहते हैं, उसे समझाइए, तो आप बस इतने ही लिखेंगे, ऐसे समीकरण बनाएंगे, बस आपका आंसर कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऊर्जा अवरोध क्या है, चित्र सहित समझाइए। तो ऊर्जा अवरोध क्या है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा अवरोध। तो देखो एक ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, एनर्जी है यहाँ पे किसी भी अभिकारक की, एनर्जी कोई भी रिएक्शन करने वाला है, सपोज मान लो हाइड्रोजन N2O5 हम लोग अभी एग्जांपल लिए थे, तो N2O5 को विघटित होना है ना, NO2 बनाना है, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, N2O5 का विघटन होना है, तो N2O5 का विघटन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, N2O5 का अपघटन। तो N2O5 के पास कितना ऊर्जा होना चाहिए, या किसी भी चीज का, N2O5 पर्टिकुलर नहीं है ना, सबके लिए मैं बता रही हूँ। तो N2O5 के पास मान लो कुछ तो उसके पास ऊर्जा होगी ना, किसी भी चीज के पास पहले से तो ऊर्जा होगी ही, तो सपोज उसके पास यहाँ जीरो था, जीरो से यहाँ तक की ऊर्जा थी, यहाँ पे जो भी पॉइंट है ABCD जो भी, यहाँ तक ऊर्जा थी 2, 4, 5 जो भी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा थी, लेकिन वो विघटित तभी होगा जब उसको और ऊर्जा मिलेगी, कितनी, यहाँ तक की ऊर्जा, तभी वो विघटित होगा। तो अभिकारक के पास इतनी ऊर्जा है, यहाँ पे हमारा अभिकारक है, लेकिन वो विघटित तभी होगा जब उसको यहां तक की ऊर्जा, अब
विकारक के पास इतनी ऊर्जा है, वो विघटित तभी होगा जब उसको यहां तक की ऊर्जा मिलेगी। तो यहां से यहां तक की जो ऊर्जा है ना, ये कहलाती है सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। और यही है ऊर्जा अवरोध, क्योंकि देखो अभिकारक तब तक क्रिया नहीं करेगा जब तक उसको इतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी। आप उसको गर्म करके उतनी ऊर्जा दो, या किसी और प्रकार से उतनी ऊर्जा दो, या कैटलिस्ट को वहां पे इन्वॉल्व करके ऊर्जा दो, लेकिन उसको ऊर्जा देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। यहां से यहां तक पूरी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा तो अभिकारक के पास थी, इतनी ऊर्जा क्या है अभिकारक में निहित पहले से ऊर्जा, यहां से यहां तक उसको चाहिए, जिसको हम लोग सक्रियण ऊर्जा कहेंगे। और यहां से पूरा यहां तक की ऊर्जा, लास्ट तक की, ये क्या कहलाती है, देहली ऊर्जा, पूरी ऊर्जा कुल मिलाकर। तो ऊर्जा अवरोध हम लोग किसको कहे, इसको, कि अभिकारक के पास पहले से अभिकारक के अणुओं को किसी भी अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए कुछ ना कुछ न्यूनतम ऊर्जा होना चाहिए, और जो न्यूनतम ऊर्जा उसको चाहिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा। उसमें से कुछ ऊर्जा पहले से उसके पास रहती है, और जितनी उसको चाहिए होती है उसको हम लोग पर्टिकुलर सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो यही ऊर्जा अवरोध है, ये वाला जो ऊर्जा है इसके कारण अभिक्रिया जब तक नहीं ग्रहण करेगा तब तक अभिक्रिया होगा नहीं। कुल मिलाकर के आपको ये वाला चित्र बनाना है, ऊर्जा अवरोध के बारे में लिखना है, और इन चीजों को जानना है कि देहली ऊर्जा किसे कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। तो आपको देख के क्लियर हो रहा होगा कि देहली ऊर्जा किसे कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उत्पाद जो बन गया है ना, ठीक। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ देहली ऊर्जा किसे कहते हैं। तो देहली ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, शॉर्टकट में लिख रही हूँ, देहली ऊर्जा अभिकारक में निहित पहले से ऊर्जा, यहां नीचे लिख देती हूँ देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में, देहली ऊर्जा अभिकारक में निहित पहले से ऊर्जा, प्लस सक्रियण ऊर्जा। अभिकारक में निहित पहले से ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा क्या कहलाती है, देहली ऊर्जा कहलाती है। देहली ऊर्जा अभिक्रिया में निहित पहले से ऊर्जा, अभिकारक में निहित पहले से ऊर्जा, और सक्रियण ऊर्जा को क्या कहेंगे। अब देखो देहली ऊर्जा, ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया हुआ है इसको मैं दो तरीके से बना सकती हूँ, कैसे कैसे आपको बस इतना ही करना है ना, ये एक ही डायग्राम बनाना है, लेकिन इसको दो तरीके से कैसे बना सकते हैं। एक तो जो मैंने अभी बनाया था, यहाँ अभिकारक की ऊर्जा थी, ये ऊर्जा अवरोध था, यहाँ पे इतना ऊर्जा लेने के बाद वो उत्पाद में यहाँ बदल गया। तो जो अभिकारक की ऊर्जा थी, इधर ऊर्जा था ना वो, और यहाँ पे उत्पाद की ऊर्जा है, तो अभिकारक की ऊर्जा से उत्पाद की ऊर्जा क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, कैसी अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया अभिकारक की ऊर्जा अधिक है, और अभिक्रिया जो उत्पाद जो बन रहा है उसकी अभिक्रिया, उसका ऊर्जा कितनी है, कम है, इसकी ज्यादा है। तो ये ऊर्जा कम है मतलब इसने अपनी ऊर्जा को क्या कर दिया होगा, बाहर कर दिया होगा। शुरू में मान लो इसके पास 25 ऊर्जा था, बाद में ये 20 हो गया, यहाँ पे 20 लिखा है मान लो, यहाँ 25 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने 5 कम तो किया ना, तभी तो 20 हुआ है। तो कम किया मतलब ऊर्जा बाहर कर दिया, ऊर्जा बाहर कर दिया मतलब कैसी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी। तो जब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, और अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी तो आपका ग्राफ, मान लो यहाँ अभिकारक है, आर लिख दे रही हूँ यहाँ पी ना, तो यहाँ पे आर, ये ऊर्जा अवरोध है, ऊर्जा अवरोध यानी कि एक्टिवेशन है। तो पहले आपको सुनने कोटि की अभिक्रिया, तो पहले अभिक्रिया की कोटि पढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग अभिक्रिया का दर देखें, दर क्या देखें हम लोग, कि किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन, डेल ए लिखे थे हम लोग ऐसे, बटे डेल टी, या फिर उसके उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि। अधिकारक की सांद्रता में कमी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन हम लोग लिखे थे ए से बी, उसी के लिए लिखा है ना मैंने। अब देखो इसके लिए एक रेट ला, दर नियम दिया गया है, एक दर नियम है। जैसे आप लोग पिछले बार पढ़े होंगे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, पढ़े थे ना, कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम में आप लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले बार 11th क्लास में, कि क्या पढ़े थे हमने द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में, कि किसी अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती
समानुपाती होती है जबकि इन पर गुणांकों की घात लगी हो। ये हम लोग पढ़े थे, आप लोग को ध्यान होगा कि क्या था कि अभिक्रिया का जो दर होता है, अभी तो हम लोग ये बोले कि दर अभिकारक की सांद्रता में कमी और समय के समय अंतराल में किसी विशेष समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में कमी पर या फिर किसी विशेष समय अंतराल में उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि पर निर्भर करती है, ठीक है। लेकिन रेट लॉ में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक के सांद्रण अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती? अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के। तो एक ही अभिकारक है तो एक ही लिखूंगी मैं, या फिर कोई और दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई विल गिव्स जेड। तो इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे? रेट समानुपाती एक्स की सांद्रता अभिकारक पहला और y की सांद्रता, दो अभिकारक है तो दोनों को लेना है, ठीक। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे क्या आएगा, के स्थिरांक, याद होगा आप लोगों को, सेम यहाँ पे आएगा के x y, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 2a लिख दूं, 2a will gives b2 ऐसे लिख दूं, तब क्या हो जाएगा रेट? 2a plus b2 लिख दूं तब रेट क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में जो रेट होगा वो होगा समानुपाती होगा किसके? ए के सांद्रता के, और यहाँ पे स्टोइकोमेट्री दो है तो घात में दो, या फिर क्या लिख सकते हैं, आर बराबर के ए स्क्वायर, ऐसे। तो यही रेट ला है इस चैप्टर में, बलगति में आप लोग पढ़ेंगे, यही क्या है, रेट ला है। यही रेट ला है, ठीक है, कि क्या होना है, आर बराबर के ए स्क्वायर, ऐसे लिखना है। जैसे कोई एग्जांपल मैं लिख रही हूं, अभिक्रिया जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिखा N2 प्लस H2 विल गिव्स 2NH3, यहां पे 3H2 कर देती। तो अब इसके लिए पहले दर लिखो, कैसे सीखे थे अभी पहले थोड़ी देर पहले, तो पहले ये सभी कारक के बारे में लिखेंगे, तो N2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल्टी, N2 अभिकारक है तो कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस, या फिर कैसे लिखेंगे H2 के लिए, तो स्टोइकोमेट्री 1 है तो यहाँ पे 1 बाई 3 अभिकारक है तो माइनस डेल H2 बटे डेल T बराबर, चाहो तो उत्पाद के टर्म में लिखो, यहाँ स्टोइकोमेट्री 2 है तो 1 बाई 2 उत्पाद है तो पॉजिटिव क्योंकि उसकी सांद्रता में वृद्धि आएगी, डेल अमोनिया की सांद्रता में वृद्धि बटे डेल T। ये तो दर नियम लिखने का समीकरण हो गया। अगर दर नियम आपको लिखना है तो जो द्रव्यानुपाती की क्रिया का नियम में हम लोग देखे वैसे लिखेंगे, R बराबर R समानुपाती होगा किसके, N2 के सांद्रता के और H2 के सांद्रता के, H2 में स्टोइकोमेट्री 3 लगा है तो घात पे 3, ये हो जाएगा। तो R बराबर क्या होगा, K N2 H2 3, ठीक है। अब यहाँ ये है दर नियम, जब भी मैं बोलूँ रेट ला लिखो या दर नियम लिखो तो ऐसा लिखना, ठीक, और सिर्फ दर लिखना हो तो उस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो, दर नियम में जब भी बोले दर नियम के हिसाब से लिखो तो ऐसे ही आपको किसी समीकरण किसी भी अभिक्रिया के लिए लिखना है। अब इसमें आपको क्या जानना है, एक और चीज कि ये जो घात पे लगा है इसको हम लोग यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि मानते हैं, कोटि, अभिक्रिया की कोटि। जैसे यहाँ पे N2 के घात में कितना है, 1, कुछ नहीं है मतलब 1, H2 की घात में 3, तो ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया चतुर्थ कोटि की अभिक्रिया, ठीक। लेकिन ऐसे घात में देख करके या यहाँ पे स्टोइकोमेट्री देख करके डिसाइड नहीं होता है ना, कोटि डिसाइड करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, वो प्रायोगिक है, डायरेक्ट नहीं उसको डिसाइड कर सकते, पर मैं समझाने के लिए आप लोग को बता रही हूँ। जैसे मैं कोई दूसरा रिएक्शन लिख लेती हूँ इस रिएक्शन के हिसाब से नहीं, क्योंकि इतना बड़ा कोटि 4-5 ऐसे ठीक नहीं है ना, तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक्स प्लस वाई विल गिव्स जेड। इसके लिए हम लोग रेट लिखते हैं, रेट लॉ के हिसाब से तो समानुपाती है एक्स की सांद्रता के, दर अभिक्रिया की दर समानुपाती है एक्स की सांद्रता के और वाई की सांद्रता के, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के। तो आर बराबर हो जाएगा के एक्स वाई होगा। अब देखो एक्स के घात में 1 प्लस वाई के घात में 1, तो ये 2, यानी कि ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक। कभी कभी क्या होता है, कोई एक अभिक्रिया ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे y में हटा देती हूँ, सिर्फ कर देती हूँ x, x से क्या बन रहा है z, तो जब हम लोग दर लिखेंगे तो y नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे क्योंकि सिर्फ x है अभिकारक, तब क्या हो जाएगी अभिक्रिया की कोटि 1, और इसको क्या कहेंगे,
प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ऐसे समीकरण देख करके बोलना नहीं सही नहीं होता है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, एक पैटर्न पढ़ रहे हैं, पर उसके लिए बहुत सारे मेथड हैं कोटि निकालने के लिए, ऐसे समीकरण देख करके नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे इसी रिएक्शन में अभिक्रिया एक्स है, जेड है, और यहाँ पे मैं कोई फोटोकेमिकल सॉरी कोई लाइट ले रही हूँ, लाइट एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो लाइट एक्स की सांद्रता, इसके हिसाब से क्या दिख रहा है कि अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती है दर, मतलब जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे दर भी बढ़ेगी, जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता घटेगी वैसे वैसे दर घटेगी। मतलब कुल मिला के सारा काम किसका है, इस अभिकारक का, जितना ज्यादा अभिकारक वहां पे रखोगे उतना ज्यादा रिएक्शन होगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है ना कि पूरा पूरा सांद्रता पे ही निर्भर करे। अगर लाइट रिएक्शन है, कोई रिएक्शन लाइट के प्रभाव में हो रही है, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, कितना भी वहां पे पेड़ पौधे के पास मटेरियल होगा, कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा पर्यावरण में, लेकिन क्या अगर लाइट नहीं आएगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक का जो दर है, अभिक्रिया का जो दर है, वो अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर नहीं करेगी। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, x के घात में जीरो। x के घात में जीरो का मतलब क्या होगा, यहाँ x के घात में जीरो यानी कि वन। तो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, k, वन तो रहेगा नहीं ना। तो ऐसा अगर होगा तो वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि वो किसी भी अभिकारक पर निर्भर नहीं कर रही है। प्रथम किसी एक अभिकारक पर निर्भर कर रही है, दो मतलब दो बार दो से निर्भर कर रही है, शून्य यानी कि किसी पर निर्भर नहीं कर रही है। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही बोलता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया में जो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन बोल रहा था। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, हमको ये बताना है। सबसे पहले तो शून्य कोटि की अभिक्रिया देख लेते हैं। तो हम लोग अभिक्रिया लिखते हैं x will gives y। अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया के रेट ला लिखने बोलूंगी तो r बराबर क्या हो जाएगा, k x के घात में जीरो होगा, ठीक। या मैं यहाँ पे r कर देती हूँ ना, रिएक्टेंट और p प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी r, ताकि आपकी किताब में जैसा दिया है आप लोग उससे ऐसा मत लगे कि कुछ अलग मैं पढ़ा दी, ठीक है, आपको सेम लगे। तो अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर हम लोग को दर लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, r बराबर, ये तो रेट लॉ के हिसाब से लिखे हैं, ऐसे r बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, डेल टी डेल r बाई डेल टी। अब हम लोग तात्क्षणिक दर लिखेंगे, एक बहुत कम समय में होने वाला अंतराल लिखेंगे, तो मैं स्मॉल डी कर दे रही हूँ ना, स्मॉल डेल कर दे रही हूँ, तो डेल r अपॉन डेल टी हो गया, ठीक है, माइनस रहेगा ही। अब चूंकि ये भी r है और ये भी r है तो दोनों इक्वल होंगे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, डी आर डी टी इज इक्वल टू के आर जीरो जीरो। आर जीरो का मतलब क्या यहाँ पे, अच्छा ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं हटा दूंगी, ठीक, या मैं यही हटा देती हूँ, आर जीरो का मतलब ही क्या था, वन, तो यहाँ पे के हो जाएगा केवल। अब ये इसको इधर ले जाते हैं, के डी टी। अब दोनों पक्ष का समाकलन करना है हम लोगों को, तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, इन दोनों स्टेप्स का क्या करना है, अपन को समाकलन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो r ही हो जाएगा समाकलन, और ये माइनस r, और ये क्या हो जाएगा, k t, t का समाकलन करने पर, माइनस को मैं इधर ले जाऊं तो इधर से हटा करके मैं इधर माइनस के t। अब दोनों पक्ष का समाकलन, सॉरी, अब हम लोग एक, हाँ एक लिमिट लगेगा आई, क्योंकि विदाउट लिमिट हम लोग किए हैं, तो यहाँ पे समाकलन स्थिरांक लगेगा ना, ये समाकलन स्थिरांक है, तो अब हम लोग को आई पता करना है कि आई कैसे हम लोग उसका वैल्यू निकाले। तो देखो शुरू में आ जाओ, जब शुरू में जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी तब मान लेते हैं कि अभिकारक की सांद्रता आर नॉट थी और प्रोडक्ट की सांद्रता जीरो, क्योंकि अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई, प्रोडक्ट बना नहीं है, लेकिन आर की कुछ ना कुछ मात्रा तो है, तो कितनी मात्रा है, आर नॉट। जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम लोग समय कितना लिए हैं, जीरो, ठीक है। तो जब प्रारंभ में क्या है, R बराबर R नॉट है, R की सांद्रता, और T बराबर क्या है, जीरो। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, R का वैल्यू कितना हो जाएगा, R नॉट K इंटू T का वैल्यू जीरो, प्लस I की वैल्यू कुछ नहीं पता नहीं। तो
अब ये क्या हो जाएगा, आर नॉट बराबर ये पूरा जीरो प्लस आई, यानी कि आई बराबर क्या हो गया आर नॉट, इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। अब उस वैल्यू को यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर के टी प्लस आर नॉट, आई बराबर आर नॉट आया यहाँ पे हमारा। अच्छा है, माइनस साइन भी यहाँ पे है तो माइनस भी रहने देते हैं, आर बराबर माइनस, माइनस भूल गया था, भूल गई थी मैं। अब देखो के टी को इधर ले आओ, के टी प्लस में हो जाएगा, आर को इधर ले आओ, आर जीरो माइनस आर, के बराबर क्या हो जाएगा आर जीरो माइनस आर बटे टी। ये हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक है, दर स्थिरांक का मान है। इससे आप लोग जब भी क्वेश्चन पूछे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक ज्ञात कीजिए, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब यहाँ पे क्या 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 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आर नॉट जो है वो है, आर नॉट क्या है, अभिकारक का की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, टी क्या है समय, और आर क्या है अभिकारक की अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता, और के तो आप लोगों को पता ही है कि के क्या है दर स्थिरांक। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये सब आपको बनाना नहीं है उसमें, सेकंड क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि अभिकारक का टी हाफ। अब टी हाफ क्या होता है भाई, तो टी हाफ का मतलब होता है, टी हाफ यानी अर्धायुकाल जो वहां पे लिखा है, जब अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाए। यहाँ पे आर विल गिव्स पी, शुरू में ये आर नॉट है और ये जीरो है, कुछ समय टी बराबर कितना है जीरो, कुछ समय के बाद टी 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 के बाद मान लो ये आर हो गया, सॉरी टी जब शुरू हो रहा है तब तो ये आर नॉट है और जीरो है, ठीक ये जीरो है अभी प्रोडक्ट है ना, लेकिन जब समय आधा हो जाएगा तब ये टी कितना हो जाएगा, जितना ये है इसका आधा आर नॉट बाई टू हो जाएगा, अभी जीरो था शुरू में, बाद में कितना हो गया आर नॉट बाई टी। तो हमारा जो समीकरण था वो क्या दिया हुआ था, समीकरण में के बराबर आर नॉट माइनस आर बटे टी, आर नॉट यानी कि प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता वैसे ही रहने दो, ठीक है। अब आर अंतिम सांद्रता, तो अंतिम सांद्रता अभी हम लोग कहां का पढ़ रहे हैं, आधा अभिक्रिया होने के बाद का, तो अंतिम सांद्रता कितनी है आर नॉट बाई टू, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ आर नॉट बाई टू, और समय कितना हो गया है आधा, तो समय को भी आधा कर देते हैं टी। तो अब आंसर क्या आएगा देखो आगे, ये टू नीचे आ जाएगा, के बराबर आर नॉट माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई टू अपॉन टी हाफ, यही दिया है, ठीक ये टू आर नॉट हो जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लो तो है ना। अब ये टू आर नॉट में से आर नॉट जाएगा, आर नॉट अपॉन टू और टी हाफ है तो ये टी हाफ हो गया ऊपर आगे। तो ये है हमारा, सॉरी के नहीं था यहाँ पे, ठीक है के करेक्ट के, ये हमारा नया। अब ये टी हाफ को इधर ले आओ, टी हाफ बराबर आर नॉट अपॉन टू के, के क्या है स्थिरांक, दर स्थिरांक, दो का गुणा करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी स्थिरांक, स्थिरांक को हटाओगे तो क्या हो जाएगा टी हाफ समानुपाती हो जाएगा आर नॉट के, और आर नॉट क्या थी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता। तो यही आपको पढ़ना था, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता उसके अर्धायुकाल के बराबर होती है टी हाफ, मैंने आधा समय बोला था, आधा समय मतलब उसका अर्धायुकाल, तो टी हाफ किसको कहते हैं या अर्धायुकाल किसको कहते हैं, जब अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाए उसे अर्धायुकाल कहते हैं। तो ये आपको यही समीकरण पूरा बनाना है उसमें, और बताना है फाइनली कि अभिक्रिया का अर्धायुकाल उसके प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है, नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है, आप लोग के पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखेंगे कि एक अभिक्रिया को पूर्ण होने में, एक अभिक्रिया की प्रथम कोटि की अभिक्रिया दिया है, हम लोग शून्य कोटि का फॉर्मूला निकाले हैं, वहां पे कौन सा कोटि का अभिक्रिया दिया है प्रथम कोटि का, प्रथम कोटि वन नॉट ना, इसके लिए दिया हुआ है कि इसका जो अर्धायुकाल है वो कितना दिया हुआ है टी हाफ 10 मिनट दिया हुआ है,
दस मिनट लेंगे, जहां तक मुझे ध्यान है। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ, दस मिनट है या क्या है। हाँ 15 मिनट्स है। तो अभिक्रिया का अर्धायु काल कितना है? 15 मिनट्स। और अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में लगा समय, तो समय हमको ज्ञात करना है। अभिक्रिया पूर्ण कितनी हो गई है? 90%। तो कैसे पता करेंगे? देखो 90%, जैसे R से P, ठीक, शुरू में कितना है ये R की सांद्रता, मान लेते हैं शुरू में 100% R, और P कितना है? 0। 90% अभिक्रिया हो गई, मतलब कि ये तो 90 खत्म हो गया होगा, ठीक, बन गया होगा। और ये कितना रह गया होगा? 100 माइनस 90। तो R नॉट प्रारंभिक सांद्रता और R अंतिम सांद्रता मिल गया हम लोग को। तो अब हम लोग पहले देख लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का। जैसे अभी हम लोग फॉर्मूला देखे, वैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला होता है K बराबर 2.303/T log R माइनस R नॉट अपॉन R, ये होता है फॉर्मूला। अब अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता, ये शून्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या था? K बराबर R नॉट माइनस R अपॉन T। अभी थोड़ा देर पहले देखो, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, और क्वेश्चन में लिखा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे, ठीक है। K का वैल्यू, दर स्थिरांक का वैल्यू वहां पे नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को दर स्थिरांक भी निकालना होगा। तो एक फॉर्मूला होता है अर्धायु काल का, अर्धायु काल बराबर 0.693/K, ये फॉर्मूला होता है अर्धायु काल का। तो इस फॉर्मूले से अर्धायु काल का वैल्यू दिया है, तो K निकाल लो। कैसे निकलेगा K? K बराबर क्या हो जाएगा? 0.693/T, हाफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15 आ गया, ठीक। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, K, K की जगह पे 0.693/15, 0.693/15 इक्वल टू 2.303, और T मैंने कहा था कि ज्ञात करना है, तो T को ऐसी रहने देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं R नॉट और R। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग पीछे करके देख लेना कैमरा को, R नॉट की वैल्यू हमने लिखा हुआ था log, 10,000 का log है ना, R नॉट का वैल्यू हमने 100 लिखा हुआ था, और R का वैल्यू हमने 100 माइनस 90 किया था, यानी कि 10। तो ये हो गया। अब क्या बचा? T को इधर ले आओ, T इसको इधर ले आओ, 15 ऊपर चला जाएगा, 2.303/15/0.693 log 10। log 10 का वैल्यू कितना होता है? log 10 बराबर 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या बनेगा, क्या बचेगा? ये 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 2.303 15 अपॉन ये, तो ये आंसर कितना आएगा टोटल मिला के? 49 point something कुछ आएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मतलब 50 मिनट के लगभग लगभग आंसर हमारा क्या आएगा? T बराबर लगभग लगभग 50 मिनट, 49 point something आएगा। तो ये है T बराबर हमारा 50 मिनट। तो आपको क्या पता चल गया कि किसी अभिक्रिया का अर्धायु काल 15 मिनट था, तो अभिक्रिया को पूरा होने में कितना समय लग रहा है? 50 मिनट का समय लग रहा है, यही पूछा था क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूध अम्ल वाला, कुछ क्वेश्चन है ऐसा, है ना, दूध में अम्ल डालने पर वो फटने वाला क्वेश्चन, देख लेते हैं हम लोग उसको, क्या क्वेश्चन है। हाँ, दूध में खटाई डालने पर वह स्कंदित हो जाती है, क्यों? तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो तो सीधी सी बात है कि जब हम लोग दूध में कोई अम्ल या कोई खटाई डालेंगे या अम्ल डालेंगे, तो क्या होता है, उसमें जो वसा है वो कैसीन के साथ मिक्स हो जाता है, और मिक्स होकर के वो तली पे बैठ जाता है और छेप बना लेता है, इसलिए फिर दूध क्या हो जाता है? स्कंदित हो जाता है कहते हैं, ठीक है। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को बुक में आराम से मिल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिशोषण समतापी वक्र क्या है? ऑनलाइन क्लास में आप लोग इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड, कोलाइडी विलयन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, फिर द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड हम लोग पढ़ेंगे।